सांस तक बोलती रही पीड़िता, मेरे साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को छोड़ना मत। तो दोस्तों, आपको पूरी बात बताएं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि देश विदेश से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। गुरुवार देर शाम 95% जली अवस्था में पीड़िता को सफदरगंज में अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया था। पीड़िता का इलाज कर रहे बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया कि रात 11:10 पे पीड़िता को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करीब 11:40 पर उन्होंने अपने जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इससे पहले दिन में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने दिन में ही बताया था कि ऐसे गंभीर मामलों में इलाज बहुत मुश्किल होता है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार रात 8 से 8:30 के दौरान पीड़िता बात कर पा रही थी। इस दौरान वह अस्पताल में मौजूद अपने बड़ी भाई से पूछ रही थी कि भैया मैं क्या बच जाऊंगी, मैं जीना चाहती हूँ, आरोपियों को छोड़ना नहीं है। इस बार उस बेटी के दर्द को जानने की कोशिश कीजिए, क्या बीत रही होगी उस बेटी पर जब हो सब बोल रही होगी। जीना चाहती थी वह बेटी, बार बार भाई को यही बोल रही थी। वही इस दौरान उन्हें सांस लेने और बोलने में बेहद तकलीफ हो रही थी। कांग्रेस पार्टी की महिला विंग का यूपी सरकार पर फूटा गुस्सा, कही ये बड़ी बात। इस बीच कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार सो गई है, भारत की एक और बेटी ने दम तोड़ दिया क्योंकि सिस्टम की उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहा। रेप पीड़िता को उन्नाव में जला दिया गया था, जिसे एयरलिफ्ट कर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता की शुक्रवार रात 11:40 मौत हो गई। बाद उस लड़की की आत्मा को शांति मिले, आपने कड़ा संघर्ष किया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।